The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Do you know ki your bones, obviously bones are filled with calcium and phosphates. Why? And even magnesium is there. Calcium kyun bhara hai bone mein? Why not sodium? Why not potassium? Why not other, other minerals? Why not other ions? Calcium kyun bhara hua hai? Right? Kyun calcium ki zarurat hai body ko? Kyun almost bahut sari khane peene ki cheezon mein bhar bhar ke calcium hai? Lekin aapko calcium se dar lagta hai. Kyun? Kyunki logon ne keh diya कि आपकी नसें में ब्लॉकेज आ गया क्योंकि उसमें बहुत सारा कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है. तो आपने सोचा कि कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम कम खाना चाहिए. दूसरे किसी पेशेंट को बोल दिया कि आपके किडनी में स्टोन हो गया है, कैल्शियम का स्टोन है. सो आपको लगा कैल्शियम कम खाना चाहिए. तीसरे को बोल दिया आपका गॉल स्टोन है, उसका तो कैल्शियम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगा कैल्शियम कम खाना चाहिए. पता नहीं क्यों कैल्शियम कम खाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये गलत फहमी है, ये गलत धारणा है, कैल्शियम से ये प्रॉब्लम नहीं होती. इंडिया में ऑलरेडी पीपल आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट. कैल्शियम हो, आयरन हो, सबकी कमी है आपके अंदर. बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर भरपूर कैल्शियम है और वो एब्जॉर्ब हो रहा है. आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती उससे ज़्यादा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, जितना उसको नीडेड है. राइट, रिमेंबर दिस. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे पेट में चल जाएगा, कुछ भी खाओगे कितना भी खाओगे ऐसा नहीं है. हाँ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है बहुत रेयरली, और कैल्शियम ज़्यादा होता है विटामिन डी के ज़्यादा होने से, बिकॉज विटामिन डी एब्जॉर्ब्स कैल्शियम. ऑलरेडी देखोगे तो ज़्यादातर लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट है. ऑलरेडी ज़्यादातर लोगों के हड्डियों में पेन हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी. कैल्शियम की ज़रूरत है आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ईच एंड एवरी सेल्स के, ईच एंड एवरी बॉडी के हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है. सो कैल्शियम कम खाने से नहीं होता कुछ भी. आपके नसों में जब ब्लॉकेज हो रहा है तो वो ब्लॉकेज एक तरीके का बाहर पड़ा हुआ, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ वो है, कोई कचरा है बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं आपके घर के बाहर, कचरा पड़ा हुआ है आप हटा नहीं सकते. तो क्या आप चाहोगे कि हवा आए वहाँ से, बाहर से और कचरा आ रहा है आपके घर में आए, आपके घर के अंदर आप नहीं चाहोगे ना. तो वहाँ वो बॉडी क्या करती है, वैसे ही जब वो क्लॉट एक जगह इकट्ठा होता है तो वो नहीं चाहती कि क्लॉट आगे बढ़े या क्लॉट और जाए आगे. तो इसीलिए वो क्या करती है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट करती है कि क्लॉट हिले ना वहाँ से. राइट, बॉडी का ये सिस्टम है. आपको चोट लगती है, वहाँ हीलिंग होती है, वहाँ हीलिंग टिश्यू में कैल्शियम डिपॉजिट होता है. क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है कि वो एक हीलिंग का प्रोसेस है आपकी बॉडी का, ताकि वो एबनॉर्मलिटी में डेवलप ना हो जाए, वो वहाँ फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए, बैठ जाए, बैठो ऐसा है. सो कैल्शियम डिपॉजिट होना आपकी खून की नसों में, ऑल्दो वो डिफिकल्ट होता है उसको निकालना, लेकिन वो हुआ आपके प्रोटेक्शन के लिए. नहीं तो क्या होगा, एक खून की नस जिसमें खून जा रहा है, वो खून की नस में खून जा रहा है, जाते जाते यहाँ पर क्लॉट जमा हो गया. आगे तो खून की नस पतली है, अगर यहाँ से वो टूट के आगे जाएगा तो पतली, अगर यहाँ 50% बंद है, आगे चल के तो 100% बंद कर देगा. इसलिए इसको यहीं रोक देना बेहतर है, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता. वेन्स में वापस जाता है, आर्टरीज में नहीं जाता. आर्टरीज जो होती है, आर्टरी वेन, हमने आपको पहले समझाया, वो आर्टरीज में आगे जाता है और अटैक आर्टरी से आता है. राइट, और आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट होना कोई बुराई नहीं है, तो कैल्शियम खाना कोई बुराई नहीं है. अगर आप कोई भी सोचता है कि मेरे अंदर कैल्शियम ज़्यादा है, बोन मिनरल डेंसिटी कराओ, अपनी बोन मिनरल डेंसिटी कराओ. अगर आपकी बोन मिनरल्स यानी बोन में कैल्शियम भरा हुआ है, तब सोचना कि मैं कैल्शियम कम खाऊंगा, वरना आपको 1000 से 2000 मिलीग्राम्स कैल्शियम डेली खाने की ज़रूरत है बुढ़ापे में, और ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ को और ज़्यादा. सो कैल्शियम की ज़रूरत है डेली, जी हाँ. सो कैल्शियम किडनी स्टोन्स नहीं करता, कैल्शियम ऑक्सलेट करता है. ऑक्सलेट किडनी स्टोन करता है. ऑक्सलेट इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन. ऑक्सलेट किस में है? ऑक्सलेट है आपके बीजे वाले खाने में. बीज वाला खाना यानी कि आपका जो बीज किसमें, टमाटर के बीज, बैंगन के बीज, जो भी बीज वाली सब्जियां हैं, बीज वाला खाना है. बीजे मत खाना, बीज मत खाना, बागर बाहर का खा लो, बीज मत खाना. राइट, बीज कम खाना अगर आपको ऑक्सलेट है, अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है. कैल्शियम कम खाने से नहीं होगा. पानी कम पीने वाले को स्टोन होता है,
जो सही टाइम पे अपने किडनी का इलाज नहीं करते उसको स्टोन होता है, जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनको स्टोन होता है, जो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनकी किडनी डैमेज होती है, वहाँ स्टोन होता है। सो किडनी स्टोन इन कारणों से होता है, कैल्शियम ज़्यादा होने से नहीं होता, राइट? नहीं होता, पानी कम पीने से होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, पीपल वॉन्ट टू बिलीव एनी थिंग। मैंने लोगों को देखा कैल्शियम ज़्यादा होने का साइन, क्या साइन? घुटने में नक नक आवाज आ रही है तो कैल्शियम ज्यादा हो गया, घुटने में आवाज आ रही है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई। उल्टे सीधे साइन सिम्टम बना के लोग आपको बताते हैं और आप मानते हो। प्लीज प्लीज डोंट बिलीव ऑन ऑनलाइन पीपल अनलेस दे आर एक्चुअली रिनाउंड डॉक्टर। इवन इफ अगर आपको थोड़ा भी वो लग रहा है ना, तो रिसर्च करो, रिसर्च इट बाय योरसेल्फ ऑन नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी यूएस की, या ऐसे कोई रेफरेंस वेबसाइट्स मेडलाइन प्लस, फिर उसमें बिलीव करना। सो कैल्शियम इज नॉट बैड फॉर एनीथिंग, यू नीड कैल्शियम, ऑलराइट?